हेलो एवरीवन, तो आज हम बनाने वाले हैं रेडीमेड गुलाब जामुन का पाउडर जो मार्केट में आता है उससे गुलाब जामुन। कई बार क्या होता है लोगों से ये अच्छा नहीं बन पाता, तो बस खास टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसे हम बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है ये 200 ग्राम का गुलाब जामुन का प्रीमिक्स है। कई बार क्या होता है लोगों से ये अच्छा नहीं बन पाता, जब हम इसके बॉल्स बना के तेल में तलने के लिए डालते हैं तो ये फटने लगता है, कभी कभी इसमें गुठली आ जाती है अंदर, और या फिर हम जब इसका डो लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो इसके पाउडर को हम एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो ट्रांसफ़र करने के बाद इस पाउडर के अंदर थोड़ी थोड़ी गुठली होती है, तो एक चम्मच से हम सारी गुठली को फोड़ लेंगे ताकि ये बहुत अच्छा महीन हो जाए। और अब क्या करना है, इसका हमें डो तैयार करना है। तो इसको आप दूध या पानी किसी से भी कर सकते हैं, मैं दूध से कर रही हूँ। ये दूध रूम टेम्परेचर के हिसाब से है। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसका एक सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। इसका डो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इसका सख्त डो बिल्कुल भी मत बनाइएगा, क्योंकि जब इसके आप बॉल्स बनाएंगे तो इसमें दरारें आने लगेंगी और आपको बहुत ही ज़्यादा मसल मसल के इसको गोल करना पड़ेगा, और या फिर ये तेल में जाने के बाद भी फट सकता है। तो इसका डो हमेशा सॉफ्ट बनाइए, और थोड़ा थोड़ा दूध डाल के हम इसे हल्के हाथों से मिक्स करते हुए इसका जो डो है उसको रेडी कर रहे हैं। ये देखिए, तो बस ऐसे ही इसको हम करेंगे। यहाँ पे देखिए बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हुआ है, और इसको अभी मैं बहुत ज़्यादा मसल नहीं रही हूँ, बस इसको इस तरह सॉफ्ट करके और धीरे धीरे मिक्स करके चारों तरफ से, और यहीं पे हम इसको अब ढक देंगे। तो चलिए अब हम इसकी चाशनी बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है 600 ग्राम चीनी, और बिल्कुल इसी के बराबर पानी डालेंगे हम। जैसे मान लीजिएगा अगर आप 3 कप चीनी ले रहे हैं तो 3 कप ही पानी डलेगा इसमें, तो मेजरमेंट इस हिसाब से होता है। और यहाँ पे हमारा गुलाब जामुन का प्रीमिक्स था 200 ग्राम, तो उस हिसाब से इसकी चाशनी मैं बना रही हूँ 600 ग्राम चीनी से, तो उस हिसाब से हम इसका मेजरमेंट रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने चीनी डाल दिया है और पानी भी इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे गैस को कर रही हूँ मैं ऑन, और इसको उबलने देते हैं। और यहाँ पे देखिए उबलने लगा है, तो अब मैं ये 3 इलायची है, इसको कूट के रखे थे, इसका मुंह खोल दिया था और कूट के रखे थे, तो वो डाल रही हूँ मैं इसमें। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, ज़रूर डालिएगा। और वो डाल रही हूँ मैं, और इसको हम 6 से 7 मिनट तक पकाएंगे। इसको हमें कोई भी तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, बस ये थोड़ी सी चिपचिपी हो जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए 6 से 7 मिनट लगभग हो गए हैं, तो थोड़ा सा टेस्ट करते हैं हम। तो ये चाशनी हमारी थोड़ी चिपचिपी हो गई है, तो मतलब चाशनी हमारी हो गई है। तो यहाँ पे गैस को कर रहे हैं हम बंद, और इसको एक बर्तन से कवर कर देते हैं ताकि गुलाब जामुन को डालने तक चाशनी हमारी गर्म रहे। और चलिए अब हम गुलाब जामुन के डो को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डो हमारा बहुत अच्छा सॉफ्ट है। अगर यहाँ लगता है आपको कि आपका डो जो है वो थोड़ा सख्त हो गया है, कड़ा हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के आप इसको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा इसको सॉफ्ट बनाइए, क्योंकि ये सख्त होगा तो तेल में जाने के बाद आपके गुलाब जामुन जो है वो फट सकते हैं। और एक इसकी पहचान होती है ना, कि अगर आपका डो अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सख्त है, तो आप जब इसके बॉल्स बनाएंगे तो एक तो आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी, दूसरे इसमें दरारें आ जाती हैं। तो आप ये समझ जाइए कि इसमें आपको दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके और सॉफ्ट करना है, क्योंकि उसके गुलाब जामुन जो है ना वो फट जाते हैं। तो इसीलिए इसका डो हमेशा सॉफ्ट रखिए। यहाँ पे डो मेरा बहुत सॉफ्ट था, तो हाथों में पहले से ही घी लगा लिया है मैंने, और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके बॉल्स बनाएंगे। तो ये देखिए थोड़ी भी ताकत नहीं लग रही है मुझे, क्योंकि यहाँ पे डो मेरा बहुत सॉफ्ट है, और इसको थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके हम इसके बॉल्स बनाएंगे। और एक साथ सारे डो का आप जो बॉल्स है वो रेडी मत करिएगा, क्योंकि एक साथ अगर आप सारे तैयार करेंगे तो सारे गुलाब जामुन सूख जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में आप इसको बॉल्स बना बना के तलते जाइए। एक साथ अगर आप करेंगे तो पहले वाले सारे सूखते जाएंगे, तो ये तेल में जाने के बाद फट सकता है। तो बस इसी प्रोसेस से मैं कर रही हूँ। तो इतना मैंने बना लिया है, और अब हम इसको तलते हैं। तो यहाँ पे ऑयल हमारा गर्म है, मतलब बहुत ज़्यादा उबलता हुआ तेल में नहीं डालना है हमको, ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा गर्म है यहाँ पे, और फ्लेम बिल्कुल लो। तो अब हम सारे गुलाब जामुन को एक एक करके तेल के अंदर डालेंगे, ये देखिए, और इसको हम हल्के हाथों से कलछी से इसको ऑयल में धीरे 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 घुमाते रहेंगे, ताकि ये चारों तरफ से घूमता रहे और बराबर सा कलर आए इसमें। तो बिल्कुल ऐसे ही हम
चारों तरफ घुमाते रहेंगे। इसको हमेशा हिलाते रहिए ताकि ऐसा ना हो कि एक तरफ ये बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाए और एक तरफ ये लाइट रहे। तो बिल्कुल चारों तरफ हल्के हाथों से आप जब ऑयल के साथ इसको घुमाते रहेंगे तो ये बिल्कुल बराबर सा इक्वल सा कलर आएगा इसमें। तो लगातार चलाते हुए इसको मैंने तला है और यहाँ पे इसका कलर बिल्कुल ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इस गुलाब जामुन को निकाल लेंगे और अब हम इसे चाशनी में डाल देंगे। और यहाँ पे चाशनी हमारी थोड़ी सी गर्म ही है तो इसे डाल के मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक दे रही हूँ ताकि ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर ले। तो थोड़ी देर बाद ये देखिए गुलाब जामुन हमारा बिल्कुल रेडी है, इसने चाशनी को बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ पे गुलाब जामुन मेरा बनके बिल्कुल रेडी है और आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही रसीला बना है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, और देख के ये कितना अच्छा लग रहा है। और ये देखिए ये कितना सॉफ्ट बना है, ये देखिए। और इसे मैं आपको काट के भी दिखाती हूँ, इसके अंदर थोड़ी भी गुठली नहीं है। तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से आप भी गुलाब जामुन बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा बनेगा। तो बताइएगा आज की वीडियो आप सबको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करते जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करते जाइए ताकि आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।